चाहे मैदान में अंपायर की तरफ गुस्से से आगे बढ़ना हो, बॉलर को अपने एक्सपीरियंस का डेटा शेयर करना हो, या फिर धक्का देकर सामने वाले खिलाड़ी को उसकी हद में रखना हो। महेंद्र सिंह धोनी, माही हर बार ये साबित करते हैं कि उनके गुस्से से बचकर ही रहो, नहीं तो क्या होगा, आगे आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नंबर वन, अब दोस्तों ऐसा है ना कि धोनी के लिए क्रिकेट में एक कहावत मशहूर है कि धोनी इज ऑलवेज राइट, क्योंकि अपने प्रशंसकों की तरह धोनी भी अपनी सिक्स सेंस पर बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तब क्या होता है जब कोई खिलाड़ी धोनी की सिक्स सेंस को नकारता है, चलिए जवाब उसी खिलाड़ी के मुंह से सुन लीजिए। असल में दोस्तों ये किस्सा तब का है जब भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ एक मैच खेल रही थी, और तभी भारत की गेंदबाजी के वक्त कुलदीप यादव को धोनी के गुस्से की छोटी सी झलक दिखाई दी। तब उन्होंने धोनी के बताने के बावजूद फील्ड चेंज करने से ही मना कर दिया। धोनी की बात मना करने के बाद कुलदीप की अगली ही गेंद पर एक चौका लग गया, जिससे धोनी के गुस्से को और हवा मिल गई। धोनी गुस्से में चूर हो गए और कुलदीप से कहा, अबे मैं पागल हूँ क्या? 300 से ज्यादा वनडे मैच खेल के यहाँ पे खड़ा हूँ, तुझे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। मैंने बोला कि कवच हटा के कवच डीप कर दो, ये पॉइंट ऊपर रख लो। तो मैंने बोला कि नहीं मैं ठीक है, तो कहता मैं पागल हूँ, मैं 300 वनडे खेला हूँ। गुस्सा हो गए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुरंत फिर वो बीवी गुस्सा हो गए। फिर उसके बाद जब मैंने फिर नॉर्मल कर दिया तो फिर आउट हो गया, यही कह रहा था मैं। क्लिप नंबर टू, अब दोस्तों ये किस्सा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज के दौरान, जब महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन माइकल हसी को स्टंप आउट कर दिया। हालांकि फाइनल निर्णय के लिए थर्ड एम्पायर का रुख किया गया, मगर दूसरी ओर माइकल हसी डिसीजन देखने से पहले ही पवेलियन चल पड़े। अंपायर ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि वो चाहते थे कि हसी डिसीजन देख कर जाए। हसी को शायद ये लगा कि वो आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अंपायर ने उन्हें रोका, जिससे धोनी अंपायर को देखते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनका गुस्सा जाहिर हो रहा था, और फिर थर्ड एम्पायर ने भी हसी को आउट करार दे दिया। पर जैसे ही हसी डग आउट की तरफ जाने लगे, एम्पायर ने उन्हें वापस बुला लिया, जिसके बाद धोनी और ज्यादा गुस्से में आ गए। और फिर बाद में पता चला कि थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट का बटन गलती से दबा दिया था। क्लिप नंबर थ्री, अब दोस्तों धोनी चाहे कितने भी शांत स्वभाव के क्यों ना हो, पर गेम की आड़ में चालाकी करने वाले खिलाड़ियों को सबक सिखाना वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका एग्जांपल आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। अब हुआ यूं कि टीम इंडिया की बैटिंग के दौरान मुस्तफिजुर रहमान बार बार भागने वाले खिलाड़ियों के बीच में आ रहे थे ताकि उन्हें रन लेने में दिक्कत हो। ये उन्होंने पहले रोहित शर्मा के साथ किया, फिर वही धोनी के साथ भी करना चाहा। जब धोनी सिंगल के लिए भाग रहे थे तो मुस्तफिजुर रहमान उनके बीच में आने के लिए जानबूझकर आगे बढ़ते हैं, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी गुस्सा होते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं और अपनी कलाई और हाथों से ढकेल देते हैं। हालांकि मैच के अंत में दोनों खिलाड़ियों को इसकी भरपाई करनी पड़ती है, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान को मैच की 50% और महेंद्र सिंह धोनी को 75% फीस देनी पड़ी थी। क्लिप नंबर फोर, धोनी के गुस्से का एक और एपिसोड टेलीकास्ट हुआ इंडिया के न्यूजीलैंड टेस्ट मैच टूर पर, जब मोहम्मद शमी को धोनी से डांट सुननी पड़ी। उन्हें डांट इसलिए सुननी पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने ओवर में एक बाउंसर गेंद फेंकी थी जो सिर्फ बैट्समैन के ऊपर से नहीं बल्कि विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर से उछलकर आगे चली गई, जिसके कारण 4 रन न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल फ्री में मिल गए। अब आपको बता दें कि इस मैच में धोनी का ऐसा गुस्सा बिल्कुल जायज था, क्योंकि ये वही मैच था जहां न्यूजीलैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज ब्रैंडन मैकलम ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी। अब जाहिर सी बात है कि जिस मैच में टीम इंडिया पहले से ही इतना पिट चुकी हो, उसमें फिर ऊपर से बॉलर भी गलत गेंद डाले यानी कि मुफ्त में रन दे, तो कप्तान का हाल तो कुछ ऐसा ही होगा ना। फास्ट बॉल बाउंसर, मैं बाउंसर मारा, माही भाई के ऊपर से उतर गया। अब माही भाई मैं कैप वैप लिया, माही भाई बोले क्या यार ये क्या किया, लास्ट बॉल था, एक तो कैच छूटा, जगह पर डालना चाहिए था। तो मैंने यार गुस्सा आ रहा था, मैंने माही भाई को मैंने नहीं हाथ से छूट गया। तो माही वाले टाइट थोड़ा सा टाइट लैंग्वेज में बोला, देख बेटा बहुत लोग आए मेरे सामने, बहुत लोग खेल के चले गए, झूठ मत बोल। क्लिप नंबर फाइव, दोस्तों आईपीएल में भी कई बार धोनी के गुस्से का बॉम्ब फूट चुका है, और ये वीडियो तब का है जब सीएसके से जीतने के लिए किंग्स इलेवन पंजाब को 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी और दीपक चहर बॉलिंग कर रहे थे। दीपक चहर ने 2 बॉल कमर के ऊपर डाल दी, जिसकी वजह से बल्लेबाज द्वारा उनकी धुनाई भी हुई। दोनों बॉल पर रन बने और पहली बॉल पर बाउंड्री लगी और दूसरी बॉल भी बाउंड्री के बाहर चली गई। चहल ने 2 गेंदों पर 8 रन दे दिए और एक भी लीगल बॉल नहीं डाल पाए। फिर क्या था, धोनी चहल के पास पहुंचे और उन्हें कस के एक जोरदार डांट लगाई, जिसके बाद दीपक चहल की बॉलिंग में सुधार आया और उन्होंने बाकी के ओवर में सिर्फ 5 ही रन दिए। क्लिप नंबर सिक्स, अब दोस्तों ये किस्सा तब का है जब चेन्नई और राजस्थान के बीच में 2019 के आईपीएल में एक मैच चल रहा था, जिसमें आखिरी ओवर में चेन्नई को 8 रनों की जरूरत थी। तो आखिरी की बची 3 गेंदों में
बेन स्टोक्स जो कि राजस्थान की ओर से खेल रहे थे, उन्होंने एक फुल टॉस गेंद मिशेल सैंटनर को फेंकी और एम्पायर ने जिसे नो बॉल करार दिया, मगर उन्होंने बाद में अपना फैसला बदल दिया और गेंद को लीगल बॉल करार दे दिया और ओवर में उसकी गिनती की और इसी ओवर में धोनी भी आउट हुए थे, जिसके बाद वो फील्ड में आकर एम्पायर के फैसले का विरोध बड़े ही गुस्से के साथ करने लगे, जिसके दौरान सभी प्लेयर्स उन्हें शांत करने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर इस ओवर के अंत में सैंटनर ने सिक्स लगाकर चेन्नई को आखिरकार जितवा ही दिया। क्लिप नंबर 7। अब दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी अंडर प्रेशर खेलते ही नहीं थे और इसी के साथ ही साथ वो क्रीज पर अपने साथी खिलाड़ी को भी मोटिवेट करने के लिए काफी मशहूर हैं। पर आपको बता दें कि जितना अच्छा धोनी अपने साथी खिलाड़ी को प्रेरित करते हैं, उतने ही जटिल वो अपने साथी खिलाड़ी को फटकारने में भी हैं। जी हाँ, और ये बात 2018 में चल रहे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में पता चली, जहां टीम इंडिया के 90 रनों पर 4 विकेट झमाझम गिर चुके थे और तभी धोनी और मनीष पांडे की जोड़ी ने जैसे तैसे करके भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक लाकर पहुंचा दिया। पर आखिरी ओवर में जहां धोनी और रन बटोरना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर मनीष पांडे का ध्यान क्रीज से भटक गया और उन्होंने चंद लोगों की गिनती में अपना भी नाम शामिल करवा लिया जिन्होंने धोनी के कुछ मीठे शब्दों का अनुभव किया था। जी हाँ, और वो कौन से शब्द थे आप खुद ही सुन लीजिए। 34 of his 3.1 over Silva. Just my woke up, I think, you know. There was this chance, you know, he's probably the best when he bats low down the order and, you know, the last couple of overs, he looks to dominate and it's what happens and he's done that a number of times.